गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 4 कर रहा हूँ आज मैं, 3 में करा चुका हूँ, लिख लेता हूँ 4। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए लिखा नहीं जाएगा, फिर मैं बहुत सॉल्यूशन कहाँ करें, इसलिए बोलता हूँ कुछ कि जो एक कण है वो ओ से पी की ओर ऊपर की ओर जा रहा है, ओ से पी की ओर ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसकी और जो उसका प्रतिरोध है वो वेग की वर्ग के समानुपाती है, तो उसकी गति की विवेचना करनी है। देखें जब कण ऊपर की ओर जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमेशा नीचे की ओर ही लगेगा, कण ऊपर जाए नीचे जाए बाएं जाए दाएं जाए, हाँ चिकनी जो क्षैतिज तल होता है उस पर बात अलग हो जाती है, मतलब उसमें लगता नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऊपर लगेगा, ठीक है mg, और ये हो जाएगा अब कण ऊपर की ओर जा रहा है तो ये भी जो प्रतिरोधी बल है वो भी कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, ठीक है। बस अब बोर्ड को मैं 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखें हिंदी आप लिखे दोगे कि ये सिचुएशन है तो ये है, कण ओ से पी पर जा रहा है, तो इसलिए इसकी जो प्रारंभिक वेलोसिटी है वो यू है, ये सब तो लिख दोगे आप हिंदी में, पता है। देखें आप कण पर लगने वाला बल, कण पर लगने वाला बल वो कितना है mdv/dt a यानी कि maf, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बराबर वो है माइनस mg+ kv2। माइनस क्यों, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो गति की विपरीत दिशा में डायरेक्शन, इसलिए माइनस, ठीक है हम सेम कट के कोई दिक्कत नहीं। dv/dt बराबर हो जाएगा g+kv2। अब एक चीज सुनो, मैंने पहले बता दिया था कि जब कण ऊपर की ओर जाएगा, कण ऊपर की ओर गति करेगा तो अपन k का मान रिप्लेस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बुक के आंसर नहीं मिलेंगे, k का मान रिप्लेस करने में कोई नुकसान नहीं है, अगर करते हैं तो गलत नहीं होता है, लेकिन अपने को अपनी यूनिवर्सिटी की बुक के ही आंसर मिलाने होते हैं, तो ट्रिक यही है कि जब कण ऊपर जाता है तो k का मान रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। देखें इफ v small v equals to v biggest हो जाता है, देन dv/dt is going to 0, देन जो k की वैल्यू है वो जाएगी g/v उसके बस, ये अपन ने शो करेगा, शो करने के लिए। अब आप इस इक्वेशन में k की वैल्यू निकाल भी नहीं सकते, k की वैल्यू अपन निकालते हैं जो नीचे आता है, पर उस वाली इक्वेशन से निकालते हैं, तो ये बस एक जनरल बात है जो मैं लिख के दिखाता हूँ, और अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि इसमें इतनी जरूरत नहीं होती, आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये होता है dv/, अब देखें इसको नीचे लें, इसके kv² समाकलन इंटीग्रल, और ये हो जाएगा -dt+0 बस, इसके अलावा कुछ, अब देखें g+kv², तो इसमें से अगर अपन k कॉमन ले 1/k, तो ये इक्वेशन ऐसे नहीं हो जाएगी, तो इसका देखो पहले रूट कर दिया फिर वर्ग कर दिया, बात वही g/k+v², अब ये फॉर्मूला बन गया 1/a² + x² जिसका होता है tan, फॉर्मूला किसमें होता है tan में, तो tan में इसका फॉर्मूला होता है, तो कैसे लिखेंगे अपन, देखें dt+c1 आगे देखते लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे, देखिए 1/k tan में होता है तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/a होता है, a का मान है रूट g/k है, tan इनवर्स x/xv है, अपॉन a रूट g/k है, ठीक है ये खत्म, -t+c1, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो देखो k यहाँ अंदर आके k² हो जाएगा, बाहर है तो के अंदर k² k से k भी कट जाएगा, यानी कि 1/√ck, ठीक है tan इनवर्स v रूट k/z, ठीक है ये नीचे था इसको ऊपर भेज दिया, √k कंज्यूम हो जाएगा,
बराबर माइनस टी प्लस सी वन। अब देखो जब टी बराबर जीरो है, टी बराबर जीरो तो वी बराबर कितना यू, मैं पहले बता चुका हूं कि अगर कण ऊपर की ओर गति कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी जरूर होगी जिससे कण ऊपर की ओर मूव कर रहे, तो वो है यू। ठीक है, रखें हम टेन इनवर्स वी के लिए यू और रूट के वाई सी बराबर टी का रखेंगे जीरो हो जाएगा, ये हो गया सी वन का मान, सी वन की ये वैल्यू हो गई, ये सी वन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा टी बराबर वन अपॉन रूट जी के, वन अपॉन रूट जी के ब्रैकेट टेन इनवर्स यू रूट के बाई सी माइनस टेन इनवर्स वी रूट के बाई जी, ये यू है ध्यान रखना, ये यू को भी ठीक है, एक ब्रैकेट साथ बस ये इक्वेशन हो गई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आगे वो सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, लेकिन ये इक्वेशन यही इंपॉर्टेंट है, सेकेंड इक्वेशन यहीं से निकालेंगे, आप यहीं भी छोड़ सकते हो उसको, लेकिन आगे मैं आपको सिंपलीफाई करके दूंगा इक्वेशन। देखिए टी बराबर वन अपॉन रूट जी के, अच्छा टेन इनवर्स ए पर टेन इनवर्स बी फॉर्मूला, तो अगर टेन इनवर्स ए माइनस बी, ए की जगह क्या है यू रूट के बाई जी वी रूट के बाई जी और वन प्लस यू वी, याद करो इलेवंथ ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है सॉल्व हो गया बस टी वन अपॉन रूट जी के टेन इनवर्स यू माइनस बी रूट के अपॉन जी वन प्लस यू वी रूट के बाई जी, ये हो गया, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और आप इससे क्या कर सकते हो, इसमें रूट के अपॉन जी का मान रख सकते हो, मान कहाँ नहीं रखना, मान इनिशियल कंडीशन में नहीं रख, समझ रहे हो, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर सेकेंड इक्वेशन निकालनी है तो फर्स्ट को मिटा देता हूँ, फर्स्ट से सेकेंड नहीं आएगी, इससे आएगी इस वाले पार्ट से। अब इसमें देखो फर्स्ट में मतलब अपन v के अलावा सारे इधर रखते हैं, तो v इधर है सबको इधर भेज रखना पड़ेगा अपने को, अगर v इधर है अपने पास तो v को dx / dt के इसका इंटीग्रल कर देते हैं अपन, तो देखें v इधर ला, तो v इधर लाने के लिए अपने पास क्या होगा, v इधर लाएंगे तो मैं सीधी इक्वेशन लिखूंगा, अब देखना ये हो जाएगी टेन इनवर्स इतना यू रूट के वाई जी रूट के वाई जी माइनस माइनस टी रूट जी के एक ही हो गई, ठीक है जी के इधर आ गया, ठीक है ये ब्रैकेट देखना ये ब्रैकेट, ठीक है ये हो गया टेन एच, टेन ये टेन हो गया ओनली टेन, और ये के अपॉन जी के अपॉन जी फिर इधर आ जाएगा वन अपॉन रूट है के वाई जी, ठीक है इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब के वाई जी का मान क्या होता है, जी का मान रख दूँ तो होता है जी अपॉन वी स्क्वायर जी अपॉन वी स्क्वायर, तो अगर जी अपॉन वी स्क्वायर होता है इधर रख दूँ जी अपॉन वी स्क्वायर, तो जी से जी कट गया वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, वी बराबर वी टेन एच टेन इनवर्स यू रूट के वाई जी माइनस रूट जी के और टी, टी रूट में नहीं है यार, टी रूट में नहीं, और इसको भी रूट में चिपका दो तुम, ठीक है अब देखो इसको लिख देना डी एक्स वाई डी टी, ये आर्टिकल थोड़ा लेंथी है और कुछ नहीं है बस, इजी तो बहुत है वी टेन एच टेन इनवर्स यू रूट
के वाई सी माइनस टू जी के और टी, ठीक है। देखो मैं टी को भी यहाँ से हटा देता हूँ, इंटीग्रल भी यहीं कर देता हूँ, डी टी यहाँ लगा दूँ। अब एक्स एक्स बराबर तो वी, अच्छा अब टेन का है इंटीग्रल, किसका टेन का, टेन का था वी लॉग सेक सेक, तो सेक में अगर टेन इनवर्स रूट के वाई जी, के वाई जी माइनस रूट जी के, रूट जी के ब्रैकेट बंद अपॉन मेरा तो वेल्यू आएगी तो वाई सी रूट सी वाई के, और के की वैल्यू रखेंगे तो जरा जी अपॉन वी स्क्वायर, यानी कि जी 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 स्क्वायर और वी स्क्वायर अपॉन जी, ये हट के यहाँ पे वी स्क्वायर में जी हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई प्लस सिर्फ एक कॉन्स्टेंट आता है बस। अब इम्पोर्टेंट है यहाँ से शीट टू, अब देखना जब एक्स में आ गए और इक्वेशन में टी में आ गई, देखें जब टी जीरो है तो एक्स भी जीरो है, तो सी का जो सेट टू का मान है वो आएगा क्या माइनस वी स्क्वायर बाई जी लॉग सेक टेन इनवर्स रूट के बाई जी, ये माना गया। इस मान को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन रख लेते हैं अपन पहले पहले, सब देखेंगे कुछ कालू मान, ठीक है। पहले देखो इस इक्वेशन को सोल्व कर देता हूँ, बाकी बाद में आपने को काम नहीं आएगा फिर मिटा दूंगा मैं हमसे। देखो अगर उड़ियन काम निकाला कि टी को कैपिटल टी से रिप्लेस कर देंगे और वी को जीरो रख देंगे, तो अगर वी को अपन जीरो रखेंगे तो ये हट जाएगा और ये कैपिटल टी हो जाएगा और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा जो अपने अनसोल्व क्वेश्चन पांच में काम आएगा, ठीक है। देखिए सीटू सीटू के मान के लिए देखो क्या करेंगे, अपन एक कर्व बनाएंगे, ऐसे तो ये सॉल्व होगा नहीं, ये एंगल इसका जो भी है थीटा, मान लेते हैं अपन टेन इनवर्स, मान लेट टेन इनवर्स यू रूट के वाई जी बराबर क्या मान लिया अपन थीटा, अच्छा अगर थीटा मान लिया तो टेन थीटा, टेन थीटा में यू अपॉन रूट के जी, अब यू देखें आप यू यू का मान कहा टेन थीटा होता क्या एल 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 ए एल यानी कि लंबाई, लंब यू हो गया और करंट का मान कितना हो गया नहीं सॉरी आधार का मान कितना हो गया रूट फटे में आ जाएगा तो जी अपॉन के जी अपॉन के, ठीक है ये हो गया। तो अब अपने को चाहिए सेक थीटा, अगर इसको थीटा मान दो सेक थीटा निकाले तो लॉग सॉल्व हो सकता है, तो सेक थीटा, अब सेक थीटा की वैल्यू देखिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है अपने पास कॉस का उल्टा यानी कि आधार बटा सॉरी सेक थीटा ये कॉस कॉस होता है वन अपॉन कॉस, और कॉस में क्या चाहिए, कॉस में क्या चाहिए अपने को कॉस में चाहिए ये वाला और ऊपर बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो इसको करें अपन इसका अगर ये निकालेंगे तो यू स्क्वायर प्लस सी बाई के इतना ही होगा, लिखें इसको यू स्क्वायर प्लस सी बाई के का रूट ये इसका अपॉन ये वाला नीचे वाला रूट जी बाई के, अगर रूट जी बाई के का भाग देते हैं इसमें तो इसमें देखें रूट जी बाई के तो क्या आ जाएगा सेक थीटा बराबर आ जाएगा वन प्लस के यू स्क्वायर बाई जी और ये रूट ये इसकी वैल्यू, तो यही वैल्यू अपने को चाहिए, ये वैल्यू अपन इसको सिंप्लीफाई करके इसमें रख देंगे तो सी टू की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी
माइनस यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी लॉग लॉग देखिए वन प्लस के यू स्क्वायर बाई जी और वन बाई टू रूट का वन बाई टू, वन बाई टू नीचे ले आएंगे। अब मान रख देते हैं पर कैलकुलेशन ऑफ सोल्व निकाल इसको। अब देखें ये मान सिर्फ यहाँ पे रखें तक बराबर हो जाएगा स्क्वायर जी लोग सेक एन स्कूट के वाई जी माइनस रूट जी के टी, ठीक है टी प्लस सेक टू था तो ये इधर आ जाएगा माइनस इसको लिखते हैं वी स्क्वायर वाई जी लोग वन प्लस के बी स्क्वायर वाई जी की पावर वन बाई टू। अगर पावर नेगेटिव लगाने के पॉजिटिव हो जाएगा चार हो जाएगा बस ये इसका सोल्व हो गया सही। अब देखते हैं अपने अधिकतम ऊंचाई निकालनी है एक्स को एच से रिप्लेस कर दें, एक्स को एच से रिप्लेस कर देंगे। अगर एक्स एच से रिप्लेस होगा तो वी का मान जीरो हो जाएगा, जहाँ भी वी है वो जीरो हो जाएगा। देखो आप वी कहाँ है कहीं ना कहीं तो वी है, ठीक है तो इसे नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें वी का फैक्टर नहीं है। तीसरे इक्वेशन से निकलेगी अधिकतम ऊंचाई, ठीक है ये हो गया और ये भी हो गया बेटा। उसको थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है लिंक बेटा दो कोई काम का नहीं है, थर्ड पार्ट देख रहे क्वेश्चन का थर्ड। अच्छा थर्ड इक्वेशन पहले क्या बनी थी वी डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस था, फिर था जी प्लस के वी स्क्वायर यही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। जरा वी जी प्लस के वी स्क्वायर इंटरगल माइनस डी एक्स प्लस सी थ्री बस, ठीक है सॉल्व करो। इसके बाद कुछ नहीं करना हमने को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो देखो इसको मान लेते हैं जी प्लस के वी स्क्वायर को मान लेते हैं टी, अगर इसको टी मानते हैं तो इसका इंटरगल क्या हो जाएगा टू के, तो वन बाई टू के बाहर आ जाएगा लोग सी प्लस के वी स्क्वायर बराबर माइनस एक्स प्लस सी थ्री, ठीक है। अब देखें जब एक्स का मान जीरो है तो वी का मान यू है कैपिटल, ठीक है रखें सर ओपन भाई टू के लोग रख दें जी प्लस के यू स्क्वायर वी का मान जीरो बराबर सी थ्री, सी थ्री का मान आ गया। अब ये सी थ्री का मान पुट करें यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, अगर सी थ्री का मान पुट करें क्या आ जाएगा वन बाई टू के लोग जी प्लस के यू स्क्वायर ये इधर आगे नेगेटिव हो जाएगा और लोग ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा जी प्लस के यू स्क्वायर बराबर एक्स, तो फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। अब देखें आप थोड़ा सा और कर देता हूँ आपके लिए पूरी निकाल के लिए थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ। 2k को इधर बचेंगे तो 2kx हो जाएगा यानी कि z प्लस के यू स्क्वायर और z प्लस के वी स्क्वायर का मान हो जाएगा e की पावर 2kx, ठीक है ऊपर कर दो इसको। बस इतना बोल इससे आगे नहीं, अगर h x को अब h मान लेते हैं h x बराबर h है तो v बराबर जीरो होगा तो इसका मान आ जाएगा वन अपॉन k जी अपॉन यू स्क्वायर जो अपन ने निकाल दिया। तो आर्टिकल पूरे हो गए हैं आपके, ठीक है।